कैसे हो YouTube की दुनिया वालों, आज का जो ब्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और प्लस जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं काफ़ी सारे कि भाई मेंटेनेंस पे वीडियो बनाए, मेंटेनेंस पे वीडियो बनाइए, तो ये मेंटेनेंस पे वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए हम दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने टाइटल वगैरह देख लिया होगा, हिंट मिल गया होगा पहले से ही, तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से करते हैं वो हम बताएंगे अपने खुद से जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। चेन लूप के बारे में है तो हम आज दिखाएंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से चेन लूप कर सकते हैं अच्छे से अपने खुद से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर ही चेन लूप कराते हैं। तो उसमें क्या है ना कि आपको एक छोटी छोटी ट्रिक्स है वो आनी चाहिए एज अ, मतलब कि अगर आप बाइक राइड करते हैं, आप बाइक के शौकीन हैं, बाइकिंग करते हैं, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। मोटुल का चेन लूप और मोटुल का ही चेन क्लीन, और ये एक ब्रश जो कि चेन क्लीन करने के काम आएगा। तो आइए देखते हैं इसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेन क्लीन का यूज़ करना है चेन पर, बाहर की तरफ से और ऊपर की तरफ से चेन क्लीन को, मतलब कि स्प्रे करना है, और उसके बाद इस ब्रश से चेन को क्लीन करना है, ठीक है। ये है प्रोसेस, एंड देन 5 मिनट्स उसको वैसे ही छोड़ना है। 5 मिनट्स के बाद जो ये है चेन लूप, इसको फिर अप्लाई करना है। ये बारिश की वजह से जो गंदी हो गई बाइक, इसको वॉश कराएंगे हम बाद में, अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो ये जो चेन का बाहरी वाला हिस्सा है यहाँ पे स्प्रे करना है, तो ये ऊपर की तरफ और ये साइडों की तरफ। तो चलिए फिर करके देखते हैं। क्लीन करते वक्त ध्यान रखना है कि बाइक को स्टार्ट ना करें, उसको हाथ से ही क्लीन करें। उसको प्रोसेस बताते हैं, पहले क्लीन करते हैं, और क्लीन करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी बाइक जो है वो न्यूट्रल में ही हो, गियर पे ना हो। तो भाई सबसे पहले हम ये जो चेन क्लीन है इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे चेन पे, बाहर की तरफ से और ये ऊपर की तरफ से भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चेन क्लीन से मैंने स्प्रे कर दिया तो चेन हो गया क्लीन, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये प्रॉपर क्लीन दिखेगा चेन आप लोगों को, ऊपर से भी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस हिस्से से भी और साइडों से भी। तो ये चेन क्लीन का अभी काम हो गया है, अब काम आएगा ये ब्रश, ठीक है। तो ये ब्रश, और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मोटुल का चेन क्लीन और चेन लूप और ये ब्रश आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप बाय कर सकते हैं और अट्रैक्टिव प्राइस रेंज में। तो चलिए फिर यूज़ करते हैं ब्रश को। ये ब्रश इस तरह से है, इसको प्रॉपर चेन में लगाया मैंने, फिर टायर को घुमाऊँगा और इस चेन क्लीन। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप गाड़ी को चला के ना करें, आप व्हील को अपने हाथ से घुमा के करें, क्योंकि इसमें बहुत डेंजरस साबित हो सकता है ये अगर आप चला के करेंगे तो फिर ये अटक सकता है और आपका हाथ भी आ सकता है उसमें। ये प्रॉपर इस तरीके से चेन क्लीन करना है आपको। जैसे कि आप चेन देख रहे होंगे ये है आप क्लीन एकदम, अब ये चेन प्रॉपर क्लीन है। हेलो, ये देखिए चेन क्लीन करने के बाद काफ़ी गंदगी निकली है इसमें, इसको हम वॉश कर देंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, लूप करेंगे। हमने चेन क्लीन का काम ख़त्म हो गया है, इसका काम ख़त्म,
ब्रश का भी काम ख़त्म, ब्रश का भी काम हो गया, अब चेन लूप की बारी है, तो चेन लूप करते हैं। अब चेन लूप करेंगे, और चेन लूप करने से पहले आप गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए और फर्स्ट गियर में डाल लीजिए, तो ये जो व्हील है ये रोटेट होता रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको दूरी का ध्यान रखना है, ज़्यादा क्लोज नहीं आना है, यहाँ से आप चेन लूप कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं चेन ल्यूब और चेन क्लीन मोटुल का, ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, अभी तक जितने भी बाइकर्स हैं उन सबके फेवरेट है ये चेन ल्यूब और चेन क्लीनर में, और साथ ही ब्रश का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो ये था कुल मिला के मेंटेनेंस पे वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे नहीं आए थे लेकिन कुछ क्वान्टिटी में कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आप भाई आप मेंटेनेंस पे वीडियो बनाओ, तो मेंटेनेंस पे वीडियो के बारे में मैंने सोचा तो सबसे पहले दिमाग में ये आया कि एक राइडर को खुद से चैन लूप करना आना चाहिए, खुद से चैन क्लीन आना चाहिए, तो वो एक प्रोसेस जो मुझे आता है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना है, और सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ, ठीक है, एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।